नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय एग पिकअप है। एग पिकअप या ओवम पिकअप या पिकअप जो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। ओवम पिकअप एक पहला प्रोसीजर है जो आईवीएफ के प्रोसेस में होता है। इससे पहले तो टीके देकर एग तैयार किए जाते हैं और जिस दिन एग पूरे तैयार हो जाते हैं तो हम फाइनल इंजेक्शन देते हैं जिसको ट्रिगर बोलते हैं, वह दिया जाता है और फिर हम एग पिकअप के लिए पेशेंट को पोस्ट कर देते हैं, यानी कि बेहोश करके हम जो है वो एग निकालते हैं। इस प्रोसेस के लिए काफ़ी लोगों में काफ़ी सारा दिल में डर होता है कि ये बहुत पेनफुल तो नहीं या इसमें हमारी लाइफ को तो कोई ख़तरा नहीं, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जिस दिन एग पिकअप का प्रोसीजर होता है हम पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको सुबह खाली पेट आना है और आपको कोई भी नेल पेंट नहीं लगा कर आना है, परफ्यूम नहीं यूज़ करना है और खाली पेट यानी कि बिल्कुल पानी भी नहीं पीना है। जो लोग थायराइड की गोली खाते हैं वह थोड़े से पानी के साथ बहुत अर्ली मॉर्निंग हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वह अपनी थायराइड की गोली या बीपी की जो भी गोली है वो सिप ऑफ वाटर के साथ ले लें। जिस टाइम पर एग पिकअप हो रहा होता है तो हम पेशेंट को शॉर्ट जीए देते हैं। शॉर्ट जीए का मतलब है कि जो हम बाजू में वेन में कैनूला लगाते हैं उसके द्वारा हम कोई ड्रग देते हैं जिसके लिए पेशेंट कुछ समय के लिए थोड़ा बेहोश हो जाता है, उसको दर्द नहीं होती। जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है उसके माध्यम से एक सुई जो है वो अंदर जाकर सारे फॉलिकल्स के अंदर से पानी कलेक्ट कर लेती है। यह पानी टेस्ट ट्यूब में चला जाता है और टेस्ट ट्यूब से ये लेबोरेटरी में चला जाता है। ज़्यादातर जो ओटी होता है जहाँ पे हम एग निकालते हैं वो बिल्कुल लेबोरेटरी के साथ में होता है ताकि तुरंत तुरंत हम जो है वो फॉलिकुलर फ्लूइड या जो अंडे के अंदर से या अंडे की शेल के अंदर से पानी निकाला है वो हम लेबोरेटरी में दे पाएँ। ओसाइट्स को जो है टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, कार्यक्रम है, बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जो एग पिकअप है उसके बीच में जो हम सुई के साथ सक्शन मशीन लगाते हैं और सक्शन मशीन में हम कोई 100 से 120 के अराउंड जो है मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर रखते हैं। ये प्रेशर ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए और इस जो प्रेशर को अप्लाई करने से जो सारा पानी है वो सक आउट हो जाता है। एक ओवरी करके दूसरी ओवरी करके हम ये प्रोसीजर 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी या जो ज़्यादा एग होते हैं जहाँ पे, इसमें थोड़ा समय भी लग जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को इसके बाद जो है कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती, जैसे ही वो बेहोशी से बाहर आते हैं वैसे ही वो घंटे दो घंटे में घर जाने के काबिल हो जाते हैं। और इसमें जो है बाद में थोड़ी इंस्ट्रक्शन मिलती है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है या नहीं होना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर होना है यानी कि 15 से कम अंडे हैं और ब्लड टेस्ट सब ठीक हैं तो इसी महीने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की डेट मिल जाती है कि डे 3 पर आना है या डे 5 पर आना है, और उस टाइम की इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। या फिर जो है पीरियड के दूसरे दिन बुला लिया जाता है अगर अंडे ज़्यादा हों और हमारा ये फैसला हो कि हम पहले सभी एम्ब्रियोज फ्रीज करेंगे और फिर अगले साइकिल में ट्रांसफ़र करेंगे। बाद में कुछ 2-3 दिन के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जिनको खाने से थोड़ा इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। एग पिकअप के कोई बहुत ज़्यादा जो है हम प्रॉब्लम्स नहीं देखते, मगर हम पेशेंट को पहले ज़रूर चेक करते हैं कि क्या ये बेहोशी के लिए फ़िट हैं, जिसमें हम सारे तरह के टेस्ट करवाते हैं, थायराइड के, लिवर के, किडनी के, क्योंकि हम जो टीके देते हैं जिनसे हमने बेहोश करना होता है पेशेंट को, उनके जो ये टीके हैं ये लिवर या किडनी से ही एक्सक्रीट होते हैं। तो पेशेंट जो है वो फिज़िकली फ़िट होना चाहिए फॉर एनेस्थीजिया। तो जब एनेस्थीजिया की फ़िटनेस ली हो तो हमें फिर पेशेंट को बेहोशी देने में ज़्यादा जो है ख़तरा नज़र नहीं आता है। उसके बाद जो है हम पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके बाद जो है पेशेंट आराम से अपने घर चले जाता है घंटे दो घंटे में। कुछ जो पेशेंट्स हैं उनको घर जाकर कुछ तरह की दिक्कत हो सकती है, जैसे कि वार्निंग साइंस हम देते हैं साथ में कि अगर आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है या आपको सिवियर पेन अबडोमन हो रही है या पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रही है या कुछ, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं
के लिए पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि अगर आपको ये होता है तो आप तुरंत वापस आकर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जो अंडेदानी है उसके आसपास जो है यूरेटर भी रहता है और यूरेटर में इंजरी होने का बहुत ही मिनिमम सा चांस होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, इसलिए इसके आसपास के जो है ओवरी से बाहर जाने का जो है बहुत ही कम चांस होता है। और इन चीज़ों का हम इंसिडेंस इतना कम देखते हैं तो कि हम इसके बारे में पेशेंट के साथ कोई बात नहीं करते कि सराउंडिंग ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है, क्योंकि इनका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और पिकअप जो है उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ओवम पिकअप या एग पिकअप या एग रिट्रीवल बारे में कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एग पिकअप का प्रोसीजर है ये कोई स्पेशलिस्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। इसके स्पेशलिस्ट के करने से इसके जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं वह बहुत 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 कम हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।